तो दोस्तों ये है 50S, इसके ऊपर जो दिख रहा है SMD कोड। तो ये क्या है, किस तरह वर्क करता है, एक बार इस पर फिर रोशनी डालते हैं और कंप्यूटर की जानिब चलते हैं। इसमें ये 5 पिन का है, जो पिन नंबर 1 है इसकी, पिन नंबर 1 देखे तो ये पिन नंबर 1, इस पर 12 वोल्ट सप्लाई आती है, पिन नंबर 1 पर 12 वोल्ट सप्लाई, और पिन नंबर 2 जो है वो ग्राउंड है, पिन नंबर 2 ग्राउंड है, और पिन नंबर 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट पिन है ये, इस पिन पर इनेबल सिग्नल आता है, जब तक इनेबल सिग्नल नहीं आएगा पिन नंबर 5 से 5 वोल्ट ऑन नहीं होंगे, राइट। ये स्विच है, रेगुलेटर स्विच, तो स्विच के लिए इनेबल सिग्नल का होना बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट इनेबल सिग्नल 12 वोल्ट पिन नंबर 1 पर जो आएंगे वो 5 वोल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे जब तक इस स्विच पे सिग्नल ना आ जाए। ये बात क्लियर हो गई, एक बार मैं दोबारा फिर दिखा दूँ इसका डायग्राम किस तरीके का है, किस तरह वर्क करता है ये, ताकि बेहतर समझ सकें आप। देख लीजिए एक बार, और यहाँ पर ये वी आउट हो गया, विन हो गया, विन बोले तो एक तरीके से विन वोल्टेज इन, यानी कि वोल्टेज इन, इसीलिए से कहते हैं विन। तो ये यहाँ पर 12 वोल्ट आएंगे हमारे ECM में, जो 12 वोल्ट ही इनपुट होते हैं, तो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट होना है, और कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर ऑन ऑफ जो स्विच है, यहाँ पर CPU से इनेबल लॉजिक सिग्नल आए। तो इसमें 3 पिन बेहद इम्पोर्टेंट हैं, आपकी इनेबल, आपकी विन, आपकी वी आउट। इसके अलावा ग्राउंड है, ग्राउंड भी ज़रूरी रहता है, और ये जो पिन है पिन नंबर 4, ये NC है, यानी कि नॉट कनेक्टेड है। ये क्लियर हुआ, इसके बाद हम बोर्ड पर चलते हैं, ECM पर देखते हैं क्या सूरत हाल है। अब हम इसको मल्टीमीटर से चेक करते हैं। ये मल्टीमीटर लिया हमने, सबसे पहले इसकी पिन नंबर जो है वो 1, जो कि पिन नंबर 1 इसकी ये रही, पिन नंबर 1 ये रही, और पिन नंबर 1 पर हमने देखा कि यहाँ पर 12 वोल्ट है, 11.89 लगभग 12 वोल्ट है, इट्स ओके। इसके बाद पिन नंबर 2 इसकी ग्राउंड हो जाएगी, यहाँ कोई वोल्ट नहीं आएगा, ठीक है जी। अब पिन नंबर 3 जो है, पिन नंबर 3 पर ये CPU से आता है, पिन नंबर 3 CPU से आ रहा है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है, वेरी गुड। यानी कि ये हमारा जो इनेबल लॉजिक सिग्नल है वो रिसीव हो रहा है। अब इसके ऊपर चलते हैं हम, इसके ऊपर जब चलते हैं तो इस जानिब, यहाँ पर ये आपकी NC है, नॉट कनेक्टेड है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएंगे। अब इसकी आउटपुट पिन बची जो ये, यहाँ वोल्ट नहीं आ रहा है,
इस बोर्ड का आना बेहद ज़रूरी है, ये आउटपुट वी आउट ये आना ज़रूरी है। जबकि इसकी देखें हम इनेबल पिन, सॉरी 12 वोल्ट आ रहे हैं आपके, 5 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन इसकी आउटपुट नहीं आती, आउटपुट नहीं आती, आउटपुट नहीं आ रही। ये आउटपुट बहुत अहम है क्योंकि ये आउटपुट पूरे मदरबोर्ड में, सॉरी पूरे मदरबोर्ड में जा रही है आउटपुट, ये बेहद अहम है। 5 वोल्ट इनपुट भी हो गए लेकिन आउटपुट नो, राइट। अब ये इसकी आउटपुट है, ये आपकी कैन आईसी को जाएगी, यही आउटपुट आईसी 9132 जो मेन रिले के लिए यूज़ की गई है इस पर आएगी। 5 वोल्ट 9131 जो चेक लाइट के लिए यूज़ की गई है इस पर आएगी। इसके अलावा बैक साइड में जो रोम लगी हुई है हमारी बायोस, जहाँ चाबी का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, तो उसकी पिन पर भी 5 वोल्ट जाएगी। इस तरह देखें कि 12 वोल्ट के बाद 5 वोल्ट बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है। 5 वोल्ट नहीं तो बोर्ड काम नहीं करेगा। तो फिलहाल इस 50S की जो रिक्वायरमेंट थी, हमारी 12 वोल्ट होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है, बट ये आउटपुट नहीं दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं, या हो सकता है कि ये ख़राब हो चुका हो, 50S ख़राब हो, तो हम इसको बदलते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसकी हम सप्लाई बंद करते हैं, ओके, मशीन बंद करते हैं डीसी, ओके। अब इसके बाद हम इस आईसी को निकालते हैं। पहले तो हम इसकी दूसरी आईसी देख लें, हमारे पास दूसरी आईसी है या नहीं है। तो ये बॉक्स है हमारी आईसीओ का, इसमें देखते हैं। 50S है हमारे पास, 50S बोले तो ओके। अब इसे चेंज करके देखते हैं, साइज़ को हम चेंज करते हैं, 50S के पहले ऐसे रख लिया जाए यहाँ पर। इसके बाद हॉट गन उठाते हैं और हॉट गन से ये कर लिया, ओके। ये हमारी मान लेते हैं आउटपुट नहीं कर रही 5 वोल्ट। अब हम ये दूसरी आईसी लगाते हैं, ये हम दूसरी आईसी पहले से हीट कर लें और इसके बाद ये लगे। ओके, मशीन बंद करते हैं। ओके, ख़राब वाली हमारी ये है, सही यहाँ रख दिया। सबसे पहले से टेम्परेचर डाउन करा जाए इसका, कि हमेशा आईसी लगाने के बाद
इसको ठंडा होना बेहद ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसके आसपास की जो रेजिस्टेंस रहती हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है तब तक जब तक वो हीट रहें, और हीटिंग पर अगर सप्लाई देंगे तो कहीं नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि नॉर्मल टेम्परेचर आपके 50 है टेम्परेचर, 1-2 मिनट और रुक जाते हैं करीब 30 के आसपास आ जाएगा तब हम इसे ऑन करके देखेंगे सप्लाई देंगे। राइट, ये हमेशा ध्यान रखा जाए कि कभी भी जब आईसी वगैरह लगाएं तो जब प्रॉपर तक ठंडा ना कर लें तब तक सप्लाई ना, इससे अक्सर नुकसान हो जाता है। ठीक है जी, 37 के आसपास आ गया है, इतना तो चल जाएगा। ओके, सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, इसको जो है वो मशीन ऑन करते हैं। मशीन हमने ऑन की और ये ऑन किया और ये ऑन किया, ऑन किया, पहला इंडिकेशन मिल चुका है कि ठीक हो चुका है, क्योंकि हमारी डीसी मशीन पर आपको दिखा दूं मैं एक बार, डीसी मशीन पर एम्पियर आ चुका है 31.31, जबकि पहले ये 0.5 था, इसका मतलब है लगभग जो सप्लाई का फ्लो है वो पूरे मदरबोर्ड में फ्लो हो चुका है, फ्लो हो चुका है। अब हम एक बार सप्लाई चेक करते हैं, फिर देखते हैं इसकी सूरत हाल क्या है। सप्लाई चेक करते हैं, सप्लाई के लिए दोबारा एक बार फिर हम यहाँ पर 12 वोल्ट, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे 5 वोल्ट लॉजिक इनेबल हो गया। अब आउटपुट हम देख लें, वेरी गुड वेरी गुड, 5 वोल्ट, ये हमारा 5 वोल्ट आउटपुट आ गया है। अब ये 5 वोल्ट हम यहाँ भी देख सकते हैं, ये कैन वाली आईसी है, कैन वाली आईसी पर 5 वोल्ट ही आ गया है, 5 वोल्ट कैन पे भी आ गया हमारा, और 5 वोल्ट हमारा जो है वो यहाँ कहीं पर भी आ गया होगा, पिन नंबर इसकी जो 35 होती है इसकी पिन नंबर 8 होती है, यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ गया होगा। इसके अलावा जो अहम बात थी जो हम लोग बैक साइड में जब तक 5 वोल्ट आ जाए यहाँ 3 वोल्ट नहीं आएंगे, तो अब यहाँ पर 5 वोल्ट आ गए, अब इसके सामने 3 वोल्ट मिल गए, तो ये हमारा ठीक हो चुका है, मदरबोर्ड ठीक हो चुका है। इसी तरीके से हम जाएँ तो रोम पे भी देख सकते हैं हम 5 वोल्ट, बायोस पे चाबी वाली आईसी पर देख सकते हैं, तो ये 5 वोल्ट पूरे मदरबोर्ड में फ्लो हो चुका है, ये ओके हो चुका है। इसकी ये आईसी ही ख़राब थी, ये स्विच कहलाता है रेगुलेटर स्विच, यही ख़राब था, प्रॉब्लम इसी में थी, छोटा सा लेकिन छोटी छोटी बातें ये बहुत काम की हैं और इनको बहुत तवज्जो से देखना चाहिए अगर आपको ईसीएम काम में महारत हासिल करनी है। हर पॉइंट इसका बहुत अहम है, बहुत ख़ास है। अब इसको हम एक बार स्कैनर लगाते हैं और पैक करने से पहले देखते हैं कि इसकी चेक लाइट वगैरह वगैरह सूरत हाल क्या है, क्योंकि या तो गाड़ी भी लगे, अब गाड़ी नहीं है यहाँ पर इस समय, तो हम स्कैनर से देखते हैं मेन रिले का हाल क्या है, इसका क्या है, और इससे भी देख सकते हैं, ग्राउंड देख सकते हैं इससे। तो ये जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, अगर स्कैनर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कैन लो कैन हाई नहीं बन रही है, तो ये कैन हाई कैन लो के लिए है, ठीक है। इसकी दो इनपुट पिनें होती हैं जो सीपीयू से आती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये,
बेहद ख़ास है ये, और दो इसकी आउटपुट होती हैं जो कैन लो और कैन हाई के नाम से जानी जाती हैं। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कैन लो बन रही है या नहीं बन रही है। पहले तो इसकी ये RX और TX कहलाएगी, और RX का अगर हम देखें इस पर अपने CRO पर तो इस तरह से सिग्नल मिलेगा। ये हमारा CPU से आ रहा है, ये ठीक है। अब इसी तरीके से हम अगर TX देखें तो ये TX हो गया, ये ओके। इसके बाद अगर हम ये देखें कैन हमारी ये लो है, कैन लो है बिल्कुल, ये नीचे को इसका झुका हुआ है, ये लो है। और इसके बाद ये हमारी कैन हाई है, ये ऊपर हो गई है। तो हमारी कैन बन गई है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भी स्कैनर कनेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, CCM को स्कैन करेगा, जो भी फॉल्ट कोड होंगे वो बता सकता है। रीज़न था फायरबोल्ट प्रॉब्लम के। इसे बंद करते हैं, एक बार फिर एम्पियर देख लें आप, ये एम्पियर और ये हमने बंद कर दिया और मेन स्विच भी बंद कर दिया, ये ख़त्म हो गया। सबसे पहले मशीन ऑन की और ये है ऑन, इसके बाद स्कैनर लगाया, कनेक्शन कर रखे हैं सारे, स्कैनर लगाया, अटैच किया इससे। अटैच करने के बाद सबसे पहले सेटिंग में गए और यहाँ पर ये चेक किया कि सेल्फ टेस्ट लिया इसका पहले, ताकि ये पता चल सके कि कैनवास जो है वो ओके, कैनवास ओके दिखा रही और के लाइन भी ओके। इसके बाद स्कैनिंग कर सकते हैं इसको हम, स्कैनिंग के लिए जो है इंडिया मारुति, मारुति के बाद डायग्नोस्ट मैनुअल सिलेक्शन इंडिया एंड इसमें 13 90 विदाउट विदाउट ये लिया। अब इसमें यहाँ ये देखना है कि इसकी चेक लाइट यानी कि मिल ऑन हुई या नहीं हुई, मेन रिले ऑन हुआ या नहीं हुआ। ये सबसे बेस्ट तरीका है स्कैनर से, ये सही रिपोर्ट देता है। ठीक है, इसमें सिस्टम सिलेक्शन, इंजन पावर, लैब डाटा, इसमें मेन रिले ले लें और मेन रिले के बाद मिल ले लेते हैं और एक आधा आइटम और बैटरी वोल्टेज काफ़ी इतना ओके। इसमें ये दिखा दिया, इसमें दिखा दिया कि हमारी मेन रिले ऑन है, चेक लाइट माल फंक्शन ऑन है, बैटरी वोल्टेज ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया जी। कुल मिलाकर हमारी प्रॉब्लम इसी की थी 50S की, जो दूर हुई ओके। इसे बंद करते हैं, इसे हटाते हैं ओके, इसे इधर रखा और इसको बंद किया, इसे बंद कर दिया।